स्वागत है। मैं हाँ जतेंद्र का अभी पहुंचे हाँ गांधी चौक का जरा सवेर तो धरना चल रहा है। ये एक समाज सेविका सुखविंदर कौर जी मंच से बोल रहे ने भी औरतों वास्ते भी काफी जरा है केंद्र सरकार ने धक्का किया है। मैडम जी की नाम है ता तो ही पता लगा समाज सेविका जे सुखविंदर कौर बोल रही हूँ। हाँ जी मैं आज वेख के आई, मेरे को रिहा नहीं गया। मैं पहला नहीं आई थी रस्त फड़ा पर मेरे को रिहा नहीं गया। मैं दोबारा वीर जी ने फोन किया कि मैं जाना चाहूंगी आना चाहूँ, मैंने दो मिनट का टाइम जरूर दियो क्योंकि बहुत दुख लगता वेख के इन धुप्प दियां ठंडा पोह दियां धुप्पा अत दियां धुप्पा पोह माघ दियां ठंडा साढ़े किसान प्योवां ने भरावां ने दिल्ली विखे बताइयां ने ते वेखो असी घर किडे किडे कंबल लैके रजाइयां च बह बह के निग लै लै हीटर लै लै के बैठे हाँ ते साडे किसान धन ने जिहड़े फर्श दे उपर रड़े फर्श के उपर लंबे पेंदे रहे। तुसीं कह रहे सी भी केंद्र सरकार ने मोदी सरकार ने जिहड़े औरतां वास्ते भी बड़ा महंगाई का कहर वरत्या रसोई दे विच, तुसीं दसो भी मोदी सरकार ने की वरत्या औरतां दे? वेखो जी एक तां गैस बहुत महंगी आ, हर चीज ही महंगी आ, गैस कनेक्शन आ, बीबिया कितों लैण, 900 रुपए का सिलेंडर भर रहा जा रहा, 880 रुपए का सिलेंडर आ। जिहड़ी बीबी 500 रुपया मजदूरी करके किसी के घर पोचे ला के कमा के लियाऊगी वह सिलेंडर भराऊगी किन्ने का सिलेंडर भराऊगी? पहला कहते थे सबसिडिया लाइया हर चीज में, GST इन्नी ज्यादा GST सिलेंडर लाती 900 रुपए का सिलेंडर कर दिता। गरीब बंद की जी पहुंच तो बाहर आ गैस बालन कि मिल नहीं रहा, दरख्त सरकार कट लेंदियां ने जड़िया गैसा ने इन्होंने महंगिया कर दतियां ने दिल्ली सरकार ने। ये जिहड़ा प्रधानमंत्री ने जिहड़ी उज्ज्वल योजना एक तैयार की सी उहदे तहत जिहड़े बिल्कुल औरतां नाजुक औरतां वो अपना जिहड़ा सी सिलेंडर गैस सिलेंडर फ्री दित्ते सी उहनां ने, उहदे बारे की कहोगे? गरीब जनता लई बड़ा वड्डा काम सी, एक गैस जिन्हां ने गैस देखी नहीं सी प्रधानमंत्री ने उहनां नूं गैस भी प्रोवाइड करवाती। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक आ, उज्ज्वल योजना दे तहत गैसां दित्तियां पर की फायदा भरा के नहीं दी। मैं खुद एक समाज सेविका वा, मैं खुद एक बीबिया तिना चौवान बीबियां खुद गैस मुल लैके दी है, मुल लैके दी उन्होंने भरा भी मैं 850 रुपया दिता वा। ठीक है, मोदी सरकार ने की दिता एक बार सिलेंडर लैके दिता, अभी पब्लिक वाले अपने को पैसे इकट्ठे करके सारी संस्थावान बनाई हुई है कि सानू लोगों को जोड़े साढ़े अपने पहुंच वाले ने जिन्होंने पता कि साडा पैसा कितने जाना, अभी पैसों की कलैक्शन करके अभी बीबियों ने खुद मैं गैस सिलेंडर लैके दिते हुए ने, चुल्हे लैके दिते हुए ने, बिजली के बिल तारे आ। एक मेरे को बीबी आ बिटो वा, वह 40,000 रुपया बिल आ गया, कि बिल पे करूगी अपना ना, वह कोई बेटा वा 40,000 रुपया बिल है, कि वह सरकार माफ नहीं कर सकती? और रात को आज के समय से भी मोमबत्ती जगा के सौंदी आ। शुक्रपुरे की बीबी आ मेरे को मिसाल आ, आ जी मेरे को बीबी खड़ी है यह भी बिटो वा। इस तरह वा ये केंद्र सरकार का मसला नहीं है, जड़ा बिजली है ये पंजाब सरकार ने बिजली जड़ी है ये उसके तहत आती है, वो महंगाई हुई है, ये पंजाब सरकार का भी कसूर है? सारिया सरकार रलिया हुई ने जी, बिल्कुल वेखो जेडे बिजली के बिल ने साडे कोलो किन्ने टैक्स वसूल दी सरकार, सरकारां कोल एक कोटा होना चाहिए, क्राइटेरिया हुंदा आ कि उहदे विचों जेडे गरीब लोगों की मदद की जाए, एक फंड होंगे ने जे गरीब लोगों के भले वास्ते होंगे, जे इस तरह किसी लेडी कोई प्रॉब्लम आ जाती गरीब को मदद की जाए, उन्होंने गैस सिलेंडर फ्री दिता जाए, वे बिल भी माफ हो सकता, जिमें 40,000 बिल आ गया वह माफ हो सकता है। अच्छा जी, प्रधानमंत्री ने एक आवास योजना के तहत लोगों जे लोग कच्चे घर रह रहे हैं जिन्ह दत्त जड़िया खराब है उन्होंने वास्ते एक लोन प्रोवाइड लंबे समय तो चल रहा है, वो बारे की कहना चाहते हो स्कीम बारे? एक मेरे को बीबी आई थी कद जी थोड़ी देर पहला, वो एक 50,000 रुपया कर्जा लिया, 50,000 रुपया कर्जा लिया, 1.5 लाख बन गया, वो घर नोटिस आ गया कि तेरे घर की कुर्की की जाएगी, तेरे घर की कुर्की हो जानी है, तेरा घर सरकार ने खरीद लेना वा, तू जा कर्जा पे कर, तू कर्जा पे कर, मेरा घर की कुर्की हो जानी वा। मेरे को रोंदी आ गई, मैं SDM साहब के पेश हुई, विडो थी वो भी लेडी, ठीक है, मैं SDM साहब के पेश हुई, मैं क्या कितों कर्जा अदा करेगी जी, ये तो दे ही नहीं सकती, ये पल्ले कुछ नहीं है, मरी पई आ, मैं कह कुला के अपने को पैसे इकट्ठे करके फिर वह मैं कर्जा माफ करवाया, कुछ मैं पे किया अपने को, कर्जा घर का लिया होया लोन घर वास्ते। हाँ बीबी जी मेरे को खड़ी है इस वे इधर करो, इन्हें दो टिमणियां ला के अपने घर में छत को बरकरार रखा कि मेरी छत डिग ना पवे, कि कहे वेले मेरे से छत डिग ना पवे, मैं एक साल का टाइम लिया इन्हों को,
इन्हों पक्का घर बना के देने ली, क्योंकि लोग मैंने पैसे देने ता ही मैं घर बना के दू उन्हें बेचारी का। जो फाइल भरी है जी प्रधानमंत्री योजना च? नहीं, इन्हों की फाइल नहीं भरी। हाँ जी, इन्हों की नहीं भरी हुई फाइल जी। जे कोई जे लोगों के जिस तरह टॉयलेट वगैरह होंगे वा वो भी जरा सरकार का काम होंदा वो भी क्या समाज सेवक हो वो भी कोई इस तरह के केस भी सामने नजर आए हैं? बिल्कुल बहुत केस ने, दस्यो जरा तुम कि पर है काफी घर ने, काफी घर ने कई दिन बड़िया भी लोग आप ही बनाई ने। हाँ आप बनाई बिल्कुल आप बनाई फ्लशा जी। मैं को एक साल का टाइम लिया वा फ्लश भी इन्होंने, मैं क्या हूं ही बना के दूंगी तू, क्योंकि मैं समाज सेवी संस्थावां नाल जुड़ी हुई हां, मैनूं पैसे भेजणगे। मैं क्या फ्लश तुहानूं मैं हुण बना के दूंगी, बाकी घर दा मैं इक साल दा टाइम लिया। इन्हें अपने कमरे दे थले पता नहीं 30-40 और जिहड़ियां थम्मियां जिहियां लाईयां ने लकड़ दियां सपोर्टां लाईयां कि मेरी छत मेरे ते डिग ना पवे, मतलब इन्नी कि ज्यादा त्रासदी आ लोकां दे विच। मंत्री जिहड़े दो भलाई दे काम बड़े वड्डे सामने आए सी पिछले दिनी आवास योजना ते उहदे नाल जिहड़ा है उज्ज्वल गैस योजना, इहदा मतलब इह फेल हो गईआं योजना जी तुहाने जी? ये बारे अं कुछ कह नहीं सकते। जे प्रधानमंत्री होना ने कोई योजनाव शुरू कीतिया ने तो अपने करिंदियां नूं भेजण कि इन्हां लोकां दा सर्वे करन, देखण कि किहड़े घर विच किहड़ी चीज़ की घाट है तो उन्हां घाटां नूं पूरा किया जा सके। की कहना चाहते हो तुसीं पंजाब सरकार नूं ते केंद्र सरकार नूं? असीं तां बेनती करांगे, पहलां तो केंद्र सरकार नूं बेनती करांगे कि तिन्नों काले कानून वापस लाओ, ठीक है ना, तिन्नों काले कानून वापस लाओ। बाकी जिहड़ियां गरीबां वास्ते योजनावां बणाईआं जांदियां उन्हां नूं गरीबां नूं गरीबों का ही हिस्सा बनन, अमीर लोग ना लैन, वो गरीबों का ही उसके भला हो। 10,000 रुपया एक सरकार ने नवी भाजी एक लोन कढ़िया सी कमेटी घर, वो भी किसी मिलया कि नहीं मिलया? बड़िया आ रहा सुखविंदर कौर जिहड़े साडे नाल समाज सेवका सी, उन्हां ने कहा है कि केंद्र सरकार के जिहड़े काले कानून है सब तो पहला वो रद्द होण, ते केंद्र सरकार वल्लों जिहड़ियां योजनावां चलाईआं जांदियां है ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੱਤ, ਅਜੀਤ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਬਟਾਲਾ।